लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना बड़ा जनाधार उतना बड़ा नेता। आपको लोगों की आवाज भी बननी होती है और उनके बीच में जाना भी होता है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार लोगों से संवाद करने में पीछे नहीं हट रही हैं। हमने देखा कि फरवरी में जो सिलसिला है वो शुरू हुआ रामपुर की घटना को लेकर, रामपुर में जहां पे जो किसान, एक मृतक किसान था, उसके परिवार में वो पहुंची। उसके बाद हमने देखा कि वो 10 फरवरी को सहारनपुर गई। उसके बाद 11 को हमने देखा कि वो अलाहाबाद पहुंची, जहां पे संगम में उन्होंने स्नान किया, और 15 को बिजनौर में, 19 को मथुरा में, और इसके बाद जो है 20 को मुजफ्फरनगर में। तो लगातार जो ये सिलसिला चल रहा है वो लोगों से जोड़ने का और लोगों से जुड़ने का, ये तमाम ये सिलसिला चल रहा है। और इसके पीछे सियासी मायने भी हैं। सियासी मायने इस मायने में कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी के तौर पे भी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो प्रभारी की जिम्मेदारी इस मायने में बढ़ जाती है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो ये सिलसिला है वो चल रहा है। दरअसल एक कोशिश अपनी ज़मीन तलाशने की भी है उत्तर प्रदेश में, और किसानों के साथ खड़ा होने की भी, यानी एक पंथ दो काज। आप जब लोगों की संवेदनाओं के साथ जुड़ेंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और यही सियासी मायने और मतलब होते हैं, और इसी की कोशिश और कवायद का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। जब तक आप लोगों के बीच में नहीं आती वो चर्चा का दौर शुरू नहीं होता, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से मीडिया के केंद्र में है, जहां पे उनको लेके चर्चा का सिलसिला जो है, चर्चा का दौर जो है वो शुरू हो गया है, और लोग इस पे चर्चा करने लगे हैं। और यहां पर भी एक अच्छी खासी तादाद जो है बिजनौर में वो देखने को मिल रही है, सब लोग सुनने आए हैं, और जो मुद्दा जिसको लेके किसान जो हैं 2 महीने से ज़्यादा से संघर्षरत हैं, उसी मुद्दे को लेके केंद्र बिंदु में रख के ये लगातार कोशिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हालांकि जो प्रयागराज में वो गई थी मौनी अमावस्या के दिन में, उसका इससे लेना देना नहीं था, लेकिन आप इसके मायने मतलब देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो लोगों के बीच में पहुँचने का सिलसिला है, और एक एक तरीके से जाहिर करने का सिलसिला कि वो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो संवाद का सिलसिला हो या लोगों के बीच में जाने का सिलसिला हो, इसकी वजह यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तबका है जो आपको लेकर वोट करता है, और वोट तब करता है जब आपसे जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन कांग्रेस अपनी ज़मीन हासिल करने को लेकर एक बार फिर से कोशिश कर रही है। प्रभारी के तौर पर, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो इसको नई संजीवनी देने की कोशिश में जुटी हुई है, और देखना होगा कि ये किस हद तक काम करता है। लेकिन एक एक चीज़ मानना पड़ेगा कि ड्राइंग रूम से निकल के और सीधे तौर पे लोगों के बीच में ये जाने की कोशिश और कवायद का जो दौर है वो चल पड़ा है, और फरवरी में ही लगातार एक के बाद एक हम इस तरीके की सभाएं देख रही हैं, जहाँ पे जो ज़्यादातर वो सभाएँ हैं वो किसानों को लेकर और किसान से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर है। और जब आप मुद्दों को लेकर बीच में जाती हैं और जो मुद्दे लोगों के करीब होते हैं, तो लोग आपसे जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं, और इसी लगाव के दम पर कोशिश ये है कि जो एक साख है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, उसको फिर से हासिल किया जाए, उस जमीन को हासिल किया जाए जो सत्ता की बागडोर तक पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो आने वाले दौर में आज से वो सियासत, जो सियासी जंग है, सियासी मैदान की ज़मीन तलाश करने की जो कोशिश है, उसकी कोशिश आज से करनी होगी, और ये कोशिश आज से होगी तभी वो कल के लिए आप कुछ सपना बुन सकते हैं, सपना देख सकते हैं। और इसी कड़ी में ये सभाओं का दौर जो है, मिलने मिलाने का दौर जो है, संवाद का दौर जो है, वो लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।